हाय गाइस, मैं हूं छवि मित्तल। वेलकम टू बीइंग वुमन विद छवि। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि किस तरह मोबाइल का टू मच एक्सपोजर फॉर चाइल्ड ऑफ यंग एज इज नॉट एडवाइजेबल। मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि किस तरह की एक्टिविटीज में आप अपने बच्चों को एंगेज कर सकते हैं, और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह की टॉयज एक छोटे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट रहते हैं। ओके, सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड So what is the importance of toys in a child's life? Well, if you ask me, toys से ज़्यादा important तो एक छोटे बच्चे के लिए कुछ है ही नहीं। एक तो इसलिए क्योंकि उसे और कुछ काम नहीं है, right? वो अपने आप को खुद busy एक माँ से ज़्यादा रखना चाहता है, you know? As much as we want our children to be busy and occupied, the child wants to be busy because उसका mind इतना active है। तो toys तो obviously बहुत important हो गए। अब बहुत सी मदद मुझसे पूछती है कि कौन से toys खरीदने चाहिए, किस तरह के toys खरीदने चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि खरीदे हुए टॉयज से ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं नेचुरल टॉयज जो आप घर पे अपने बच्चे को ऑफर कर सकते हैं। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ यू विल अग्री विद मी व्हेन आई से कि भले ही आप अपने बच्चे को कितने सारे टॉयज खरीद के क्यों ना ले दें, खेलता वो हमेशा उस टॉय के डब्बे के साथ ही है, राइट? बॉक्स के साथ ही खेलता है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द नेचुरल टॉयज दैट आई गिव टू अरहम हु इज ओनली 1.5 इयर्स ओल्ड टू प्ले इन द हाउस। मेरा सबसे फेवरेट टॉय है गुंदा हुआ आटा यानी कि डो, और अरहम को भी बहुत मजा आता है आटे के साथ खेलने में। ही लाइक्स टू मेक इट इनटू डिफरेंट शेप्स, और उसकी जो उसका जो टेक्सचर होता है वो फील करना उसे बहुत अच्छा लगता है। सो आटा इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली ट्राई विद अ चाइल्ड ऑफ लिटरली एनी एज, यू नो। मेरा फेवरेट टॉय चाहे जो भी हो, अरहम का फेवरेट टॉय अनडाउटेडली मिट्टी है। तो मैंने क्या किया है, एक बड़ा सा गमला खरीद लिया है, एक प्लांटर जिसमें मैंने मिट्टी भर दी है, और मैं उस प्लांटर के पास अरहम को बिठा देती हूँ। वो उसमें अपने हाथ डालता है, मिट्टी को ऊपर नीचे करता है, खेलता है, गंदा भी होता है। तो ये सारी एक्टिविटी मैं उसको करने देती हूँ नहाने से पहले, सो दैट यू नो आई कैन मेक श्योर दैट ही इज नाइसली क्लीन बिफोर ही टेक्स हिज डे टाइम नैप। बट यस, मिट्टी इज वन ऑफ हिज फेवरेट टॉयज। एक और नेचुरल चीज जिससे खेलना अरहम को बहुत पसंद है वो है पानी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जब धूप निकलती है, मेरे घर में छोटी सी बालकनी है, उसमें जब धूप आती है तो एक टब में थोड़ा सा पानी भर के मैं उसको रख देती हूँ और अरहम को छोड़ देती हूँ लिटरली। और ये काम भी मैं करती हूँ उसके नहाने से थोड़ा सा पहले, ताकि आई कैन इंश्योर दैट ही इज एब्सोल्युटली क्लीन बिफोर ही टेक्स हिज नैप। बट वो पानी के साथ इतना मजा करता है, उसमें छप छप करता है, थोड़ा गीला भी होता है, फिर हाथ गीले करके मेरा भी मुंह धुलवाता है, एंड ही डज ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रेजी फन थिंग्स विद दैट वाटर। एंड इट्स द टाइम ऑफ द डे व्हेन आई थिंक ही चेरिशेस द मोस्ट। आपने नोटिस किया होगा कि बच्चों को शोर मचाने में बहुत मजा आता है, डू यू नो व्हाई? बिकॉज वो नए नए साउंड्स के साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग अरहम अ ड्रम और अ गिटार और यू नो टॉय तबला और अ टॉय कैसियो और अ टॉय मोबाइल विच हैज अ लॉट ऑफ साउंड्स, मैं क्या करती हूँ, मैं उसे किचन से बर्तन देती हूँ, स्टील की कटोरी, स्टील का चम्मच, उसको वो डम 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 करता है, ठक 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 करता है और बहुत मजा करता है उसके साथ। मैं भी खुश रहती हूँ क्योंकि अननेसेसरीली चीजों पर मुझे पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, और अरहम तो बहुत खुश रहता है क्योंकि जिन चीजों के साथ मैं किचन में काम करती हूँ उन्हीं चीजों के साथ वो खेल सकता है। व्हाट मोर कैन ही आस्क फॉर? अनदर थिंग दैट अरहम रियली रियली एंजॉयज टू प्ले विद इज राजमा। एंड आई थिंक राजमा जैसी चीज, कोई भी होल ग्रेन या पल्सेस जो है उसके साथ आप बेबी वो आप दीजिए बेबी को, कच्चा कच्चा राजमा, कच्चा चना, समथिंग यू गिव द बेबी टू प्ले विद, उससे उसकी जो मोटर स्किल्स हैं और ये जो पिंसर ग्रिप जिसको बोलते हैं ना, ऐसे करके थंब और फोर फिंगर में किसी चीज को उठाना, वो प्रैक्टिस होती है, और इस पिंसर ग्रिप पे बहुत सारी दूसरी मोटर स्किल्स डिपेंड करती हैं। सो अरहम हैज अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग विद राजमा। वो छोटा सा डब्बा लेता है, उसमें एक एक राजमा उठा के डालता है, उसके बाद सारे फेंकता है, फिर वो यू नो रोल करके इधर उधर जाते हैं, फिर वो जाके एक एक राजमा फिर से उठाता है, डालता है। सो दैट इज एन एक्टिविटी विच कैन कीप हिम बिजी फॉर आवर्स, एंड इट इज अ टॉय विच इज एब्सोल्युटली चीप टू बाय। मतलब हर घर में राजमा चने तो होते ही हैं, सो दिस इज समथिंग विच आई वुड रियली एडवाइज ऑल मदर्स टू ट्राई।
लेकिन हाँ, अगर आप राजमा जैसी चीज अपने छोटे बच्चे को खेलने के लिए दे रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू डोंट लीव हिम अनअटेंडेड, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है उसको मुंह में डालने की कोशिश करें एंड यू नो इट कैन बी अ चोकिंग हैजर्ड. अरहम इज वेरी कंफर्टेबल विद प्लेइंग विद राजमा एंड चने, वो कभी मुंह में नहीं डालता है और अब उसे अच्छी तरह समझ में आ गया है कि ये एक टॉय है, इसको सिर्फ इसके साथ सिर्फ खेलना है. सो एक 0 से 7 ईयर्स की एज के बच्चे के लिए ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है. और इसके लिए नेक्स्ट टाइम यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू बाय एक्सपेंसिव टॉयज, बिकॉज ट्रस्ट मी, जो नेचुरल टॉयज हैं जो घर पे अवेलेबल हैं, अ चाइल्ड इज इक्वली हैप्पी विद दोज टू. इनफैक्ट आई थिंक दे आर फार बेटर देन द प्लास्टिक वंस दैट यू बाय फ्रॉम द मार्केट. सो ये जो टिप्स मैंने आपको दिए, मेक श्योर दैट यू ट्राई देम, एक्सपेरिमेंट विद देम एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो इफ यू लाइक दीज टिप्स. And if you like this video, please like it, share it, and don't forget to subscribe to Being Woman with Chavi. I'll be back next week with another video. This is me signing out. Love and peace from me to you.